नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके, यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए ये हमारा SCS डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई, इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आते रहते हैं, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं हूं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 9 सितंबर का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। UPSC और अदर स्टेट PC एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आज का हमारा सेशन। आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ, UPSC 2021 का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है और सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप चल रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए 8560580530 9696008089 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। ठीक, हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, इन जो है एड्रेसेस पे आप टाइप करिए, सर्च करिए, फ्री में अरे चैनल्स जो है आप सब ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, हमारे जो टॉपिक्स आज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए वो हैं ये वाले, नेपोलियन बोनापार्टे, ये क्यों न्यूज़ में देखेंगे, राइज इन डेंगू केसेस, डेंगी के केसेस बढ़ गए हैं, देखते हैं क्या बात है, इंस्पायर अवार्ड्स मानक। ठीक, इंस्पायर अवार्ड्स जो है मानक वाली बात हो रही है, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, इसको रिवाइज करेंगे आज फिर से, कुछ न्यूज़ में था। कॉमन सर्विस सेंटर, ठीक है ना, कॉमन सर्विस सेंटर, सामान्य सेवा केंद्र, इसके बारे में भी जानेंगे, और फूड इमरजेंसी श्रीलंका, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी चीज़ों से आप रूबरू भी होंगे कि भारत किस तरीके से काम करता है और कैसी स्थिति हो सकती है, दूसरे कंट्री से हमें एग्जाम्पल लेना चाहिए। ठीक, तो देखिए पहला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि नेपोलियन बोनापार्टे, ठीक, वर्ल्ड हिस्ट्री में आप लोगों ने इसका पढ़ा होगा, फ्रेंच के बड़े एक जो है एक लीडर के तौर पर उतरे थे और फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था उसके मतलब वो उसमें बोला जाता है कि नेपोलियन बोनापार्टे का जो है बर्थ हुआ था। तो अभी इनकी एक टोपी थी, हैट, ठीक, उसको जो है देखा गया, DNA का मैच किया गया सैंपल और उससे पता चला कि भैया ये तो बोनापार्टे जी की, नेपोलियन बोनापार्टे की ये टोपी है, तो अब उसका जो है नीलाम किया जाएगा और पैसे बटोरे जाएंगे, ठीक, हांगकांग के द्वारा। ठीक, ये वाली बात है यहाँ पर, और ये जर्मन ऑक्शन पहले हुआ था, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये देखिए हैट ऐसी, अगर आपने देखा होगा नेपोलियन बोनापार्टे का तो ये ऐसी टाइप की कि यही हैट जो है तरीका होता है इसकी आपको दिखती होगी उसमें पिक्चर। ठीक, नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में जान लेते हैं, 1769 में इनका बर्थ हुआ था अजासियो में, आइलैंड एक कॉर्सिका, ये सारे मैपिंग आप लोगों को देखनी है, ठीक है, आइलैंड जो है कॉर्सिका का वहाँ पर हुआ था, ये जो है दूसरे बेटे थे अपने और ज़्यादा कुछ अमीर नहीं था इनका परिवार, नेपोलियन फर्स्ट जो थे इन्हीं की बात हो रही है। ये काफ़ी फेमस हैं मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडर, राजनीतिक और जो है सैन्य वाले जो है काफ़ी अच्छे लीडर माने जाते हैं हिस्ट्री में, और ये डिफेक्टो लीडर थे फ्रेंच रिपब्लिक के, ठीक है ना, फ्रेंच रिपब्लिक एक बनाया गया था वहाँ पर एज फर्स्ट काउंसिल ऑन फ्रॉम 1799 to 1804, हालांकि 5 साल में इनको जो है फ्रेंच रिपब्लिक का जो है लीडर माना गया था, डिफेक्टो मतलब इनफैक्ट, ठीक है, और ये एम्परर भी थे फ्रेंच के, ठीक, 1804 से, देखो 1804 तक आपका जो है ये फ्रेंच रिपब्लिक के डिफेक्टो लीडर माने गए, फिर 1804 से 1814 तक एम्परर माने गए फ्रेंच के, ठीक है ना, और अगेन इन 1815, एक साल का गैप क्यों अभी बताऊंगा। नेपोलियन जो है इन्होंने यूरोपियन और ग्लोबल अफेयर्स को करीबन ये जो एक दशक है 1804 से 1814 वाला, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस किया इन्होंने, डोमिनेट किया एक तरीके से यूरोप को और उत्तर, ठीक, और फ्रेंच जो है फ्रांस कई सारे जो है वॉर लड़ रहा था और कुछ जो है नेपोलियन ने अपना एक कोड बनाया था उसको दूसरे ऊपर जो है लागू कर रहा था, तो इसको नेपोलियनिक वॉर्स भी बोला जाता है। कई सारे इन्होंने वॉर जीते भी, कई सारे बैटल्स भी जीते, काफ़ी लंबा चौड़ा एम्पायर भी खड़ा किया, लेकिन 1815 में जो है कोलैप्स हो गए, ठीक है, और ग्रेटेस्ट कमांडर माने जाते हैं पूरे हिस्ट्री में, वॉर कैंपेन जो है काफ़ी जगह पढ़ा भी जाता है भैया क्या इन्होंने कैसे क्या किया, और ये सेलिब्रेटेड भी बहुत ज़्यादा है और इनका कंट्रोवर्सियल पॉलिटिकल फिगर भी रहा है ह्यूमन हिस्ट्री में। तो देखिए जो सेलिब्रेशन होता है, जो किसी का मतलब अच्छाई होती है तो उसको लोग जो है बुराई भी देखते हैं और बुरे लोग जो है उसमें कुछ अच्छाई, कुछ भी मतलब दोनों पार्ट होते हैं, ठीक, प्रोज एंड कॉन्स होते ही हैं। नेपोलियन बोनापार्टे जो है मतलब फ्रांस में एक तरीके से मिलिट्री में थे और काफ़ी तेज़ी से जो है रैंक इनकी बढ़ी थी, मतलब समझ लीजिए एक इन्फेंट्री में मतलब शामिल हुए, फिर धीरे 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 मेजर जनरल तक पहुँच गए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर, ठीक, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के ही चाइल्ड माने जाते हैं, संतान माने जाते हैं आपके नेपोलियन बोनापार्टे।
यंग लीडर के तरीके से काफी ज्यादा इन्होंने शो किया था अपना सपोर्ट जैकोबियन क्लब्स को। आपको याद होगा अगर तात्या तोपे, सॉरी टीपू सुल्तान जो थे, ठीक टीपू सुल्तान ना कि तात्या तोपे, गलत पता नहीं कहाँ से आ गए, तो टीपू सुल्तान जी ने भी जैकोबियंस को जो है वो करते उन मतलब पैट्रोनाइज करते थे, ठीक। तो एक ये फार लेफ्ट जो है लेबर एवर की तरफ ज़्यादा इनका रुझान रहता है, फार लेफ्ट पॉलिटिकल मूवमेंट था, इसको काफ़ी सपोर्ट किया था नेपोलियन बोनापार्टे ने। और ये काफ़ी वेल नोन भी हैं कि पॉपुलर पॉलिटिकल क्लब बना था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, कौन सा जैकोबियन वाला, ठीक। 1803 से 1815 तक फ्रांस में काफ़ी ज़्यादा नेपोलियन वॉर होते रहे और मेजर कन्फ्लिक्ट रहा कई सारे जो यूरोपियन नेशन थे उनके बीच में। अक्टूबर 1805 में देखा जाए तो ब्रिटिश जो है वाइप्ड आउट हो गए नेपोलियन फ्लीट से, ठीक है ना। नेपोलियन फ्लीट इसमें मतलब ये हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने एक तरीके से नेपोलियन फ्लीट को हरा दिया था बैटल ऑफ ट्राफलगार में, ठीक है। बैटल ऑफ ट्राफलगार में ब्रिटिश जीते एक तरीके से, लेकिन फिर दिसंबर में ही उसी साल 1805 में ही नेपोलियन ने काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी जीत जो है विक्ट्री वहाँ पर दर्ज करी बैटल ऑफ ऑस्टरलिट्ज में, ठीक है, बैटल ऑफ ऑस्टरलिट्ज में। फिर 21 मार्च 1804 में अगर देखा जाए तो नेपोलियन इंस्टीट्यूटेड जो है नेपोलियनिक कोड, इन्होंने अपना एक कोड बनाया, ठीक। इसको वैसे फ्रेंच सिविल कोड भी हम लोग जानते हैं और ये आज भी कई जगह यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो है इन्होंने कई सारे प्रिविलेजेस जो थे उनको मना कर दिया, जो कई सारे विशेष अधिकार थे जैसे बर्थ के लिए अलाउड, फ्रीडम ऑफ रिलीजन को, ठीक है ना, गवर्नमेंट जॉब में कौन होना चाहिए, सबसे क्वालिफाइड वाले लोग होने चाहिए। फिर नेपोलियन की डिफीट हुई 1814 में, फिर ये भाग गए और मतलब निर्वासित हो गए, आइलैंड ऑफ एल्बा में चले गए, और फिर ये वापस आए 1815 में, और फिर जो है ये फाइनली बैटल ऑफ वाटरलू में हारे नेपोलियन, ठीक है। और इनकी डेथ हुई 5 मई 1821 में आइलैंड ऑफ सेंट हेलेना। ये सारे जितने भी आइलैंड इसमें बताए गए हैं सबको मैप में ज़रूर करिए, ठीक। सेंट हेलेना हो गया आपका, कॉर्सिका ऊपर था, आइलैंड ऑफ एल्बा हो गया, ये सारे सारे, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि राइज ऑफ डेंगू केसेस। दिल्ली में काफ़ी तेज़ी से डेंगू केसेस अभी आए हैं, 1 जनवरी से 4 सितंबर तक देखा जाए तो 124 केसेस आए, जो कि हाईएस्ट है, 2018 में इससे पहले 137 केसेस आए थे। अगस्त के महीने में 72 केस आ गए। डेंगू अब कैसे क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेंगू एक मच्छर है, उसके डेंगू मतलब एक मच्छर के काटने से होता है जो कि एडिस जीनस का होता है, और यही मच्छर जो होता है वो आपका जीका, चिकनगुनिया और अदर वायरसेस भी फैलाता है, ठीक। तो ये वाली चीज़ें हैं। और आपका मलेरिया किससे होता है, फीमेल एनोफिलीज से होता है, ठीक, उसके काटने से होता है, ठीक है, उसके बारे में मैंने बता रखा है। और डेंगू इस जो है कॉमन है कई सारी 100 कंट्रियों में, करीबन हर साल अगर देखा जाए तो डेंगू से करीबन जो है 40 करोड़ जो है जनता जो है दिक्कत में आती है पूरे साल, पूरी दुनिया में देखा जाए। और आपका 10 करोड़ तो करीबन जो है सिक होते हैं इन्फेक्शन से, और 22,000 करीबन मर जाते हैं सीवियर डेंगू से, ठीक। डेंगू जो है 4 तरीके का वायरस होता है, ठीक है ना, इसीलिए एक व्यक्ति को डेंगू हो सकता है 4 बार भी हो सकता है। मान लीजिए आपने डेंगू वायरस जो है 1, 2, 3, 4 होता है, इसी वजह से कोई व्यक्ति जो है डेंगू उसको वायरस अगर है तो 4 बार भी हो सकता है अपनी लाइफ टाइम में, अलग अलग वायरस से हो सकता है, ठीक है ना। डेंगू के 4 वायरस के रूप हैं ऐसे समझ लीजिए। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स एडिस एगिप्ट जो एडिस मॉस्किटो होता है वो डेंगू करता है, और क्या क्या करता है, डेंगू हो गया, जिका वायरस वाला हो गया, और चिकनगुनिया, ठीक। तो ये अपना साफ जो है ठहरे हुए पानी में पनपता है एडिस मॉस्किटो, तो तभी ले कहते हैं ना वो कूलर वूलर में पानी जो है बहा दीजिए, ठहरने मत दीजिए, ये सारी चीज़ें हैं। और सिम्टम वही हैं, माइल्ड फीवर, एक नोशिया, रैशेस, ठीक है, और जो है पेन हो जाता है, वार्निंग साइन जो है कहीं नहीं है, 2 से 7 दिन में जो है इसके सिम्टम आ जाते हैं और रिकवर भी हो जाता है वीक में। हालांकि इसका कोई भी अभी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है डेंगू का, और इसके जो सिम्टम है उन्हीं को सही करो, हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मिलते रहो। कौन सी और जो डिजीज़ हैं बरसात के मौसम में, किन अन्य बीमारियों पर ध्यान देना चाहिए, तो देखिए मलेरिया, चिकनगुनिया, वायरल फीवर, ये काफ़ी ज़्यादा जो है प्रचलित होता है, हो जाते हैं इस सीज़न में। और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बॉडी जो है दिल्ली की, उसने बताया कि 57 केसेस तो मलेरिया के हैं, 32 केसेस तो चिकनगुनिया के हैं, ठीक। और ये दोनों चिकनगुनिया और मलेरिया तो काफ़ी कम है, 2016 के से अगर कंपेयर करो तो लोवेस्ट है, लेकिन डेंगू बढ़ा है, तो ये वाली चीज़ है। और व्हाट कॉजेज चिकनगुनिया एंड मलेरिया, मलेरिया वैसे मैंने आपको बताया एनोफिलीज मच्छर होता है, बल्कि फीमेल एनोफिलीज होती है, वो काटती है तो उसकी वजह से फैलता है ये। बाकी चिकनगुनिया, डेंगू, जिका, ये सब एडिस एगिप्टी जो मॉस्किटो है ये ब्रीड करता है अब साफ पानी में,
ठीक, लेकिन जो एनोफिलीज है मलेरिया वाला, वो साफ पानी में भी और जो जो आपका मडी वाटर है गंदे पानी में भी जो है पनप जाता है। ठीक, समझ में आ गई बात। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि इंस्पायर अवार्ड्स मानक। ठीक है, आठवां जो है नेशनल लेवल का एग्जीबिशन प्रोजेक्ट कंपटीशन हुआ था अभी, ठीक है ना, आठवें राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी और परियोजना प्रतियोगिता भी हुई थी फॉर द इंस्पायर अवार्ड। ठीक है, मानक, मानक क्या है, मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। ठीक है ना, मिलियन माइंड्स, तो मतलब एक तरीके से बच्चों को के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो है भावना को जगाना है, उनसे जो है बढ़िया बढ़िया क्रिएटिव इनोवेटिव जो है आइडियाज़ लेने हैं और उनसे, उन आइडियाज़ से, उस नॉलेज से जो है हम अपने देश की जो है बेहतर से बेहतर सोल्यूशन ढूंढने हैं। ये वाला जो है मानक इसको कहलाता है, इसी पे इंस्पायर स्कीम के अंतर्गत, प्रोग्राम के अंतर्गत अवार्ड्स दिए जाते हैं और ये अभी चालू हुआ रिसेंटली। और इसमें इनोवेटिव आइडियाज़ कितने दिए गए, 581 स्टूडेंट द्वारा दिए गए कई सारी स्टेट और यूनियन टेरिटरी से। ठीक, आठवां संस्करण था NLEPC का और इसमें स्टूडेंट जो है सेलेक्ट किए गए थे इंस्पायर अवार्ड मानक के लिए 2019-20 के लिए। ठीक है, और पिछले साल नहीं हो पाया था कोविड की वजह से और इसमें 1000 और स्टूडेंट जो है अटेंड करेंगे इसको, इस प्रोग्राम को ऑनलाइन। ठीक, ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है जो यंग इनोवेटर्स हैं, जो नए जो है विचारधारा वाले लोग हैं, नए नए जो इन्वेंशन की जो है लाना चाहते हैं, वो अपना इनहेरेंट पोटेंशियल जो है, जो उनको जो एक पोटेंशियल उनको मिला है, उनकी जो क्षमता है उसको दिखाने का मौका मिलता है। पूरा पर्पज़ यही है कि जो यंग लोग हैं उनका जो यंग दिमाग है उससे अच्छे से अच्छे इनोवेटिव जो है ड्रिवन साइंस एंड टेक्नोलॉजी विकास किया जाए और जिससे कि आइडिया लिया जाए और जिससे कि कंट्री का भी विकास हो सके। इंस्पायर योजना के बारे में समझ लेते हैं। इंस्पायर स्कीम में एक है मानक और भी इसके 5 पार्ट हैं, इसके 5 कंपोनेंट हैं और ये स्कीम जो है कवर करती है स्टूडेंट जिनकी एज जो है 10 से 32 साल है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करती है इंस्पायर स्कीम को 2010 से। इंस्पायर मानक जो है, इंस्पायर अवार्ड मानक एक कंपोनेंट है 5 कंपोनेंट में से। ठीक, और ये इंस्पायर मानक स्कीम जो है ये एक अलाइन किए गई है स्टार्टअप इंडिया से और जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर द्वारा ये किया गया था। स्कीम जो है ये एम करती है कि मोटिवेट करती है स्टूडेंट को 10 से 15 साल के जो होते हैं या फिर जो कक्षा 6 से 10 में पढ़ रहे होते हैं वो फ्यूचर इनोवेटर्स बन सके, नव प्रवर्तक बन सके और महत्वपूर्ण जो है विचारक बन सके, यानी कि क्रिटिकल थिंकर्स बन सके। और ये बिलीव किया जाता है कि जो ओरिजिनल आइडियाज़ होते हैं, इनोवेशंस होते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा स्टूडेंट्स लाते हैं, अगर उनको हम अच्छे से पालें, पोषण करें, उनकी क्रिएटिविटी के कल्चर को बढ़ावा दें, नई नई सोच उनके अंदर जगाने की कोशिश करते रहें, वो खुद भी इस कुछ चीज़ को कैरी ऑन कर जाएं, तो चिल्ड्रन की तो होगी उन्नति, भारत पूरे देश की भी उन्नति होगी। उद्देश्य यही है कि ओरिजिनल आइडिया इनोवेशन को जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी जोड़ो, सोसाइटी के से उसको जोड़ो, उसके सोल्यूशन निकालो सोसाइटी के लिए और कल्चर ऑफ क्रिएटिविटी बढ़ाओ इन स्कूल चिल्ड्रन में। और उसके अलावा जो है सोसाइटल नीड्स को साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो है सेंसिटिव बनाते हुए सोल्यूशन ढूंढने चाहिए। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पे इंस्पायर स्कीम है, इंस्पायर स्कीम के अंदर ये 5 कंपोनेंट है। ठीक, लेकिन ये वाले जो है शी प्रोग्राम हो गया, सीड्स प्रोग्राम हो गया, AORC प्रोग्राम हो गया, इनको कमेंट्स में बताइए क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक, इंस्पायर अवार्ड मानक वाला आ गया, ठीक, आपका इंस्पायर इंटर्नशिप हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, फेलोशिप हो गया, फैकल्टी अवार्ड हो गया। ठीक, ये सारी चीज़ों में आ गई। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमन सर्विस सेंटर, सामान्य जो है सेवा केंद्र। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MeitY के अंतर्गत आता है, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है जो कि एक तरीके से यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज हैं रिमोट एरियाज़ में, जहाँ पे इंटरनेट की सुविधाएँ नहीं पहुँच पाई हैं किसी तरह कारणवश, वहाँ पर गवर्नमेंट की सर्विसेज को जो है ऑनलाइन दी जा सके, ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा सके, तो उसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर बनाए गए हैं। ठीक, इनको जो है अब यहाँ इन्हीं के जरिए अब क्या होगा, ऑपरेट ये कर सकेंगे एज अ पासपोर्ट सेवा केंद्र। तो मतलब पासपोर्ट की जो सुविधाएं होती है, देखो ऐसा होता है कई सारे पासपोर्ट आपको केंद्र जाना पड़ता है, कई बार जो है कैपिटल में ही होता है या फिर आपको डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर पे जाना पड़ता है, तो वो सारे काम अब CSC से ही हो सकते हैं। PSP पासपोर्ट सेवा केंद्र की तरह काम करेगा कॉमन CSC जो है रूरल एरियाज में। ठीक, वहाँ पे जितनी भी चीज़ें यथासंभव हो सकती हैं वो आप रूरल एरियाज़ में CSC में जाके ही कर सकते हैं। अब क्या क्या अलाउ किया गया, CSC को पासपोर्ट सेवा केंद्रों का प्रबंधन और संचालन करने की अनुमति क्यों दी गई है,
तो देखो यार, कई सारे CSC हैं जिसमें कि बहुत बड़ा एक विलेज लेवल का एंटरप्रेन्योर्स का जो है नेटवर्क बन चुका है। करीबन 2.5 लाख सेंटर अक्रॉस इंडिया में हैं। सेंटर जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी हैं, सेमी अर्बन अर्ध जो है शहरी क्षेत्रों में भी हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी वहाँ ज़्यादा फास्टेस्ट नहीं है, तो वहाँ पे CSC पे जाके लोग इंटरनेट की गवर्नमेंट के द्वारा जो भी ई गवर्नेंस वाली चीज़ें प्रोवाइड की जाती है वो वहाँ पे आप जाके जो है आपको मुहैया कराई जाएगी। ठीक, जैसे कि वोटर आईडी लेना है आपको, ठीक है, और CSC आपको आधार कार्ड देना है, उसका वो फोटो कॉपी निकालना है जो भी है, और अपना कोई पेमेंट करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कोई जमा करना है, बैंकिंग सर्विसेज करनी है, वो सब CSC में जाके आप लोग आसानी से कर सकते हैं। और गवर्नमेंट को ये काफ़ी आसान भी पड़ता है कि CSC जहाँ जहाँ भी है वो तो जो भी सर्विसेज वो ऑनलाइन दे सकता है, डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना चाहता है, फोटोग्राफ लेना चाहता है, जो भी डिटेल नेसेसरी होती है वो सब भी आपका कर सकता है। पासपोर्ट के लिए भी ये अली प्रक्रिया जो है वो पूरी कर सकता है। जो भी इनिशियल नॉन पुलिस वेरिफिकेशन भी जो है CSC के थ्रू ही हो जाएगी। ठीक, जहाँ पे पुलिस की ज़रूरत नहीं है, पुलिस की वेरिफिकेशन वैसे तो लगती है पासपोर्ट में। क्या CSC को भविष्य में अन्य बायोमेट्रिक सत्यापन करने के लिए अनुमति दी जाएगी? देखिए, बायोमेट्रिक आपका कौन कौन सा हो गया, आँखों का आयरिस स्कैन हो गया, फिंगरप्रिंट हो गया, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें जो है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पासपोर्ट में जो होती हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जिसको रिक्वायर भी अच्छी जगह सिक्योर सिस्टम में करना होता है। तो CSC ज़्यादा सिक्योर है नहीं, तो अभी नहीं लग रहा है कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए भी CSC को अलाउ कर दिया जाएगा। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में संचालित CSC अन्य कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं? देखिए, पिछले 3 सालों में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो है सार्वजनिक और निजी जो सेक्टर की जो है पार्टनर इसने बनाया है, और उनकी जो पहुंच है उसको फायदा कर ले रहे हैं। जैसे कि ऑटोमोबाइल में देखा जाए तो टाटा मोटर्स हो गया, बजाज ऑटो और रेनो जो हो गए, ये सब भी CSC के ज़रिए अपनी कुछ कमर्शियल व्हीकल और जो है इन सब के बारे में जो है काम कर रहे हैं। इसके अलावा कई सारी जो FMCG कंपनियां हैं, पेप्सी, कोका कोला, टाटा कंज्यूमर, शाही मसाला, आधार फूड, यूनिबिक फूड्स, बिस्किट आते हैं बड़े अच्छे इसके मैंने खाए हैं, ये सब जो है भी इसका CSC का उपयोग कर रहे हैं। CSC है क्या? ये एक तरीके से भौतिक रूप से जो है प्रेजेंट फैसिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ई सर्विसेज जो भी ग्रामीण या फिर रिमोट लोकेशन देनी होती हैं वो इन CSC के जरिए से सामान जो है आपका सेवा केंद्रों के जरिए से कंप्यूटर इंटरनेट के जरिए जो है पहुंचा दी जाती है, जहां पर इंटरनेट की सेवाएं कंप्यूटर नहीं होते हैं। ठीक, जो रणनीतिक कॉर्नर स्टोन है CSC का वो है कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो है, ई गवर्नेंस प्लान को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देता है, जो कि अप्रूव किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा 2006 में। वो उसी का मतलब ये एक तरीके का काम है कि भैया हमें ई गवर्नेंस पहुंचाना है। नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उस समय इंट्रोड्यूस किया गया था ई गवर्नेंस को मैसिव स्केल पे ले जाने के लिए, ताकि लोगों तक पहुंचे इंटरनेट। ठीक, तो उसके लिए था मल्टीपल सर्विसेज, सिंगल पॉइंट मॉडल और सिंगल ज्योग्राफिकल लोकेशन पे जो है यहाँ पे रहती है, आप चाहिए और कुछ भी जितने भी गवर्नमेंट के द्वारा आपको सर्विसेज दी जानी या फिर बिजनेस टू कंज्यूमर दी जानी, जैसे टाटा मोटर अभी यूनिबिक का बिस्किट विस्किट बताया, हेल्थ केयर की सर्विसेज हैं आपकी, फाइनेंशियल, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ये सब कुछ आपको ग्रामीण क्षेत्रों में जो है पर्सन को मिल सकता है। अब CSC 2.0 स्कीम क्या है? इसमें यही है कि भैया सारे ग्राम पंचायत तक हमें CSC पहुँचाना है, 2.5 लाख जो भी हैं। 2015 में चालू हुआ था और 2.5 लाख जो है ये 2019 तक मतलब कंप्लीट करना था। CSC हर ग्राम पंचायत में CSC होना चाहिए कम से कम एक। ठीक, और जो है डिलीवरी यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाओ, पूरे भारत में कहीं पे भी जो है गवर्नमेंट से सिटीजन तक जो भी सर्विस सब पहुंचाना चाहिए। ठीक, 2.5 लाख CSC बनानी है आपका ग्राम पंचायतों में, सिंगल डिलीवरी सिस्टम होना चाहिए और कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टेक होल्डर होना चाहिए, लोकलाइज्ड हेल्प डेस्क सपोर्ट होना चाहिए, ये सब मतलब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है CSC। ठीक, इसके अलावा VLE मतलब विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर जो है उनको मैक्सिमम कमीशन मिलना चाहिए, ताकि लोग CSC खोले भी तो यार कुछ कमीशन, कुछ इंसेंटिवाइजेशन, कुछ प्रोत्साहन तो मिलना चाहिए ना। व्यूमन को भी VLE बनाया जाए, यानी कि विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है फूड इमरजेंसी श्रीलंका में हो गई है। अभी क्या हुआ है कि पार्लियामेंट ने जो श्रीलंका की उसने नेशनल इमरजेंसी लगा दी कि भैया फूड की शॉर्टेज हो गई है। ठीक, तो सोचो कितनी बड़ी वो है, भारत में अगर लग जाए कि फूड की शॉर्टेज हो गई हम इमरजेंसी लगा रहे हैं, अभी हम लोग सोच भी नहीं सकते, लेकिन ऐसा होता है, हमारे बगल के देश में हो रहा है। इसीलिए कहते हैं कि जो चीज़ें हम लोग को मिली हुई होती हैं हमें उनको टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि वो भी बहुत ही खूबसूरत चीज़ है जो हमारे पास ऑलरेडी है। हम लोग भागते रहते हैं फोमो के चक्कर में। फोमो क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो दूसरे के पास है वो हमारे पास नहीं है,
इस चक्कर में जो हमारे पास भी होती है उसको हम लोग जो है तवज्जो नहीं देते हैं, उसको जो है हम लोग जो है उसको सिग्निफिकेंस उसका महत्व नहीं समझते, ये बड़ी गलत चीज़ है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, अब चलिए मैपिंग कर लेते हैं थोड़ी श्रीलंका की। आपका जैसे मैंने पीछे आप लोग बताया था, डुगोंग वाला पहला भारत का जो है तमिलनाडु की तरफ से कंजर्वेशन पार्क जो बनाया गया, पार्क बे में बनाया, ये पार्क स्टेट में बनाया गया है। ठीक, इनके बारे में पढ़ लेना, गल्फ ऑफ मन्नार में भी पाया जाता है। ठीक है, हम्बन टोटा यहाँ पे है इसका, कोलंबो यहाँ पर है। ठीक, पॉइंट पेड्रो, ठीक है, और जाफना, टोंडी धनुष केवड़ी, ये हो गया। तो ये सारी चीज़ें मैपिंग जरूर देखा करो। अब देखिए, गवर्नमेंट तो यही कह रही है कि भैया हमारे यहाँ फूड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, कई सारे फूड की माफिया जो हैं वो जो है वस्तुओं को जमाखोरी कर रहे हैं, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, इसलिए हमें इमरजेंसी लगानी पड़ रही। पॉपुलेशन कह रहा है कि अरे भैया ये तो ठीक तरीके से नहीं सोच, मतलब इंटेंशन गलत है, लोगों के मौलिक अधिकारों का और हनन करना चाहते हैं, और ज़्यादा जो है ये अपने आप को सत्तावाद बनाने की दिशा में ये कार्य हो रहा है। खैर, मुद्दा ये है कि अब से यहाँ पे समझना इकोनॉमी का है ये अलग कॉन्सेप्ट, इसमें थोड़े से तो उनको ध्यान समझिए। एक तो फॉरेन डेब्ट बर्डन बहुत है, हम जब भी इम्पोर्ट करते हैं, ध्यान रखना समझना साहब सही से, इम्पोर्ट करते हैं मान लीजिए, तो हमें जो पैसा देना हो, जो भी मतलब हमें पेमेंट करना होता है वो फॉरेन करेंसी में ही करना होता है। ठीक, श्रीलंका की क्या करेंसी बताइएगा, लेकिन उसको पेमेंट अगर फॉरेन से करना है तो उसने अगर डॉलर में लिखा हुआ है $100, तो हमें $100 कन्वर्ट करके ही देना होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी से भी लेंगे तो, लेकिन लेंगे $100 लेकर ही हम वापस करेंगे। तो हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तो हम भी भैया जो है मान लीजिए हमने बेचा, तो हमने वहाँ से कह दिया कि हमें जो है $100 दे दो, तो हमें $100 मिले। हमने जैसे अभी आपको पता है 630 के ऊपर जो है भारत का अभी जो है फॉरेक्स रिजर्व हो गया, अभी बताऊंगा श्रीलंका का कितना है तो आप भौचक्के रह जाओगे कितना कम है वहाँ पे। तो एक्सपोर्ट करते हैं तो हम भैया फॉरेक्स रिजर्व जो है कमाते हैं। ठीक, तो जब हम इम्पोर्ट करते हैं, जैसे भारत भी यार ऑयल वेल तो 70-80% तो इम्पोर्ट ही करता है, तो उसका पैसा भुगतान जो है रुपी में नहीं करता, वो डॉलर में कर लेता क्योंकि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो और इम्पोर्ट कर रहे हो तो उसका पैसा जो है फॉरेन रिजर्व का कैसे दोगे। तो फॉरेन डेब्ट हमारा जो है श्रीलंका का बहुत ज़्यादा हो गया, उसको वो लोग दे नहीं पा रहे थे लोन को क्योंकि उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ही कम था। और अब इसमें समझते रहिएगा, आपको जो है श्रीलंका में एक जो है एक तो ईस्टर अटैक हो गए थे 2019 में, ठीक है ना, ईस्टर पे अटैक टेररिज्म अटैक हो गया था, उससे टूरिज्म इंडस्ट्री जो है कोविड के आने से पहले से ही बहुत ख़राब थी। टूरिज़्म बहुत बड़ा एक वहाँ पे जो है पैसा कमाने का जरिया है, और फॉरेन एक्सचेंज और ये जो होता है एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट उसका भी जो है टूरिज़्म की वजह से काफ़ी ज़्यादा पैसा श्रीलंका में आता, तो वो सब भी ख़त्म था। चाय और जो गारमेंट इंडस्ट्री थी वो भी पेंडेमिक के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई। रेमिटेंस हालांकि इंक्रीज़ हुए 2020 में, लेकिन वो इतने नहीं थे कि भैया फॉरेन रिजर्व इतने बना दे कि हम जो है मतलब श्रीलंका वहाँ से क्राइसिस से बाहर आ सके। तो आप देखिए यहाँ पे फॉरेन रिजर्व जो था कंट्री का एंड ऑफ जुलाई में, ठीक, कितना था पता है, $2.7 बिलियन सिर्फ, भारत का कितना है $633 बिलियन। और इसके बाद जो है उनके पास डेब्ट कितने हैं जो उनको देने हैं पैसा, जो डॉलर देने हैं, वो 4 बिलियन है, तो 1.3 बिलियन का तो यहीं पे घाटा हो गया। अब लो फॉरेन रिजर्व होने की वजह से एक एक चीज़ कनेक्टेड है, और इम्पोर्ट भी ज़्यादा जो है नहीं हो, मतलब जो भी इम्पोर्ट कर रहा था उसका जो है भुगतान ना करवाने की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। अब इस साल उन्होंने क्या किया, इन्होंने इम्पोर्ट भी बंद किए भैया कई सारे व्हीकल्स के, करने ही पड़ेंगे इम्पोर्ट, कैसे दोगे फॉरेन में करेंसी में कैसे पेमेंट करोगे। ठीक, कई सारे आइटम बंद कर दिए, जैसे कि खाने वाला तेल आपका जो है, हल्दी, टूथब्रश तक इनको बंद करने पड़े यार इम्पोर्ट करने के। यार छोटा सा देश है, हर चीज़ नहीं बना पाते, भारत के पास सारी चीज़ें बनाने का है, तो इसकी वजह से फॉरेन रिजर्व को बचाने के चक्कर में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे काम किए। इम्पोर्ट जो है मैन्यू ऑफ इट्स एसेंशियल फूड आइटम, जैसे पल्सेस आपका, दाल हो गई, चीनी हो गया, ठीक, आटा हो गया आपका, सब्जियाँ हो गई, कुकिंग ऑयल, इन सब पे भी जो उन्होंने बंदिश लगा दी कि इम्पोर्ट नहीं करेंगे। अब इससे क्या हुआ, सप्लाई ख़त्म हो गई। जैसे मैंने आप लोग को उसमें बताया था कि इकोनॉमी को जो है मैं डिमांड एंड सप्लाई से पूरा समझा सकता हूँ कोई भी टॉपिक, तो यहाँ पे भी देख लीजिए, सप्लाई जो थी भैया वो है ही नहीं। जब अब किसी को दाल खानी है मान लीजिए पूरे, ऐसा तो नहीं कोई कह दे भैया मिनिस्टर कि हम तो दाल खाते नहीं तुम क्यों खाते हो भाई, ऐसा तो होता नहीं है। तो पल्सेस मान लीजिए जो है इम्पोर्ट नहीं हो रहा है, ठीक, तो जो मान लीजिए वहाँ पे 10 ही किलो बची हुई थी, पहले मान लीजिए 1 रुपए की थी, अब 10 ही किलो बची हुई तो लोग जो है इसको 10-10 रुपए में ले सकते हैं, तो उसकी वजह से सप्लाई कम है, डिमांड मान लो उतनी भी है तब भी जो है उसके पैसे बढ़ जाते हैं। अब इसको सप्लाई कम होने के बाद डिमांड को बढ़ाने के, डिमांड को बढ़ा एक तरीके से
जो है अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए क्या किया श्रीलंका की गवर्नमेंट ने, एक और बड़ा जो है ब्लंडर कर दिया, इन्होंने पैसे छापने चालू कर दिया, 800 बिलियन जो है रुपए जो है पैसे प्रिंट किए सेंट्रल बैंक के द्वारा अब पिछले 18 महीने में, ठीक है, डेढ़ साल में। इससे क्या हुआ कि बहुत ही ज़्यादा लोगों के हाथ में पैसे आ गए, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो गई इकोनॉमी। अब भैया हाथ में पैसा आएगा, एक्स्ट्रा पैसा आएगा तो वो क्या करेगा, डिमांड बढ़ाता जाएगा, लेकिन सप्लाई और कम हो गई थी, ठीक, पहले इतनी भी नहीं थी। अब जब डिमांड ज़्यादा सप्लाई नहीं है तो इन्फ्लेशन भैया महंगाई हो गई, ठीक, और इसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने अपनी करेंसी को भी डीवैल्यू कर दिया। मान लीजिए जैसे कि रुपी है, ठीक, तो पहले जो है आपका 75 रुपये में मान लीजिए $1 मिल जा रहा था, ठीक, तो अगर इसका VNMN एक्सचेंज आप देखो तो अगर ये 75 रुपये से बढ़ के अगर 100 रुपये हो गया तो रुपी की वैल्यू डीवैल्यू हुई है, समय रुपये का मूल्य जो है गिरा है। क्यों, पहले $1 के लिए हमें 75 रुपये देने पड़ते, अब यार ज़्यादा देने पड़ रहे ना, तो रुपये की कीमत $1 के अगर उसमें कंपेरिजन देखें तो कम हो गई, तो डीवैल्यू हो गई। तो वैसे यहाँ पे करेंसी जो थी श्रीलंका की वो भी डीवैल्यू हो गई। अब जब डीवैल्यू हो जाती है तो मान लीजिए हमने एक कोई टॉफ़ी मंगाते थे, हम पहले इंपोर्ट करते थे श्रीलंका वाले तो 75 रुपये देते थे मान लीजिए, अब वहीं वो डीवैल्यू हो गए 100 रुपये हो गए तो हमें 100 रुपये देना पड़ रहा है, समझ रहे हो। 25 रुपये की अगर मान लीजिए भारत में एक टॉफी थी तो हमें मान लीजिए पहले 3 टॉफी के लिए जो है 75 रुपये देने पड़ते थे, अब हमें 100 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, इम्पोर्ट हमारे जो है वो भी महंगे हो गए, और इससे जो है ऋण और ज़्यादा बढ़ गया, फॉरेक्स रिजर्व और ज़्यादा प्रेशर में आ गया, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें, तो इसमें इमरजेंसी में क्या डिक्लेयर कर दी गई, पब्लिक सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस के जरिए, कि भैया हमारे पास खाने पीने के भी नहीं हैं वस्तुएँ, फूड जो है इस सिक्योरिटी ना होने की वजह से एक नेशनल इमरजेंसी लगा दी। सेक्शन 2 जो है आपका PSO जो पब्लिक सेक्टर ऑर्डिनेंस है आपका सेक्शन 2, वो मतलब एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा सकता है दो केसेस में। एक तो ये है कि भैया पब्लिक सिक्योरिटी जो है सार्वजनिक जो है लोगों की सुरक्षा और जो है पब्लिक ऑर्डर जो है प्रिजर्वेशन उसका होता रहे, संरक्षण होता रहे। दूसरा ये है कि जो सप्लाईज है, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई है, जैसे कि यहाँ पे सप्लाई कम हो गई ताल वाल इन सब की, उसको मेंटेन करते रहो, अगर नहीं हो पा रहा है, लाइफ जो है कम्युनिटी की जो है थ्रेट में है, तब भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अब ये एक और ख़ास संकट की याद दिलाता, जब 1970 में भी ऐसे ही हुआ था, तब जो वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर थे, ये इनकी गवर्नमेंट थी श्री मावो बंदरा नाइके का, उन्होंने सोशलिज्म समाजवाद को कुछ ज़्यादा लेवल पे ले गए और फिर उन्होंने कहा नहीं, सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा और जो इसको भी सब्जी लेनी है वो कोई प्राइवेट काम नहीं हो सकता, सब लोग गवर्नमेंट से ही लेंगे। तो लोगों की लंबी लाइन लगती थी ये संतोसा ग्रोसरी शॉप्स पे, जिसकी वजह से जो है शिप टू माउथ इकोनॉमी तब ये कहा जाने लगा था। क्या होता था, शिप से जो है सब्जियां आती थी और बस वहाँ से लोग गए खा लिया, कुछ ना उगा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, तो उस समय भी खाली काफ़ी जो है खाद्य सुरक्षा को वहाँ पे आहत हुआ था। अगला चैलेंजेस क्या है, श्रीलंका के पास में कोई भी यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं, हमारे देश में भी टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो जो राशन शॉप ये सारी चीज़ें अभी टारगेटेड हैं, 67% ही तो हम पूरे देश की जनता को करीबन कवर करने की कोशिश करते हैं ना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में ही तो दे रखा है 75% गाँवों में और आपका 50% जो है शहरों में, ठीक, यूनिवर्सल कुछ स्टेट्स में है जैसे तमिलनाडु हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तो ये सारे तो वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, सार्वभौमिक रूप से जो है पब्लिक सार्वजनिक जो है वितरण प्रणाली है ही नहीं, राशन कार्ड है ही नहीं, तो एसेंशियल गुड जो है रीच ही नहीं हो पाते जो है कंज्यूमर्स तक। इसके वजह से जो है कई बार फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अगर हो गई तो उसकी वजह से ब्लैक मार्केटिंग बढ़ती और फिर जो है ये सारी चीज़ें दिक्कत में आ जाती हैं, इसकी वजह से इस तरीके की इमरजेंसी लगाना जो है मजबूरी हो जाती है, ठीक। और आगे इसी के साथ में हम लोग अपने फेवरेट सेक्शन कॉमन एग्जाम स्पीसेज में किस तरह से प्रीलिम्स क्वेश्चन हमें सॉल्व करने चाहिए उसको हम लोग देखते हैं। देखिए डेफ एक्सपो की बात हो रही है, इस पर क्वेश्चन हम लोग ने किया हुआ था, ये फ्लैगशिप बाइनियल 2 साल में होने वाला मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा लैंड नेवल एयर होमलैंड सिक्योरिटी सिस्टम को दर्शाने वाला एक डिफेंस एक्सपो होता है, क्या स्टेटमेंट सही है गलत है बताइए। 12वां संस्करण जो है ये दिल्ली में होना है मार्च 2022 में, क्या सही है कि गलत है, अभी इस पे एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पीछे। 11वां संस्करण जो था वो लखनऊ में हुआ था 2020 में, क्या ये सही है कि गलत है बताइए। तो यहाँ पे पूछा गया सत्य पूछा गया, तो सत्य जो है वो दूसरा वाला नहीं है, तो ये कौन कौन से स्टेटमेंट गलत होएंगे, एलिमिनेशन मेथड के जरिए आपको आंसर मिल जाएगा सी। तो देखिए जो 12वां संस्करण गुजरात गांधीनगर में होना बता चुका हूँ आपका, और इसमें करीबन टारगेट जो हमारा, देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, डेफ एक्सपो और इन सब के जरिए हमारा एक टारगेट है आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत कि डिफेंस में हम लोग एक्सपोर्ट कर सके $5 बिलियन तक का जो 2024 तक,
ठीक, ये ध्यान रखना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है मांडा बफेलो यानी मांडा भाइंस से संबंधित जो है आपका कुछ कथन दिए गए, कौन से सत्य हैं बताना है। देखिए नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस, ठीक, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल अनुवांशिक जो संसाधन है, उन्होंने ये बताया है कि रिकॉग्नाइज किया है कि मांडा बफेलो जो है, मांडा भाइंस जो है, ये आपकी 19वीं यूनिक ब्रीड है बफेलो की, भैंसों की इंडिया में 19वीं यूनिक ब्रीड है। क्या सही है गलत है बताइए। और ये जो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है भैंस, ठीक। और जो तीसरा है स्टेटमेंट कि मांडा जो है ये काफ़ी रेजिस्टेंस होता है, आपका परिजीवी वाले जो इन्फेक्शन होते हैं उनको प्रतिरोधी क्षमता इसकी अच्छी होती है, डिजीजेस इसको कम होते हैं, साथ ही साथ जो है काफ़ी कम रिसोर्सेज भी मिले, खाने पीने को भी मिले तब भी आसानी से ये जो है थ्राइव कर जाता है मांडा भैंस। तो यहाँ पे क्या है कि ट्रू जो स्टेटमेंट है वो दूसरा नहीं है। ये जो भैंस है ये आपका ओडिशा में पाई जाती है, अभी इसकी खूबसूरत शक्ल आपको दिखाऊंगा। तो दूसरा वाला गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, आंसर हो जाएगा सी। और ये ईस्टर्न घाट में प्लेट्यू ऑफ कोरापुट रीजन में पाया जाता है ओडिशा में, ये है वो भैंस। देखिए बिल्कुल कम जो है यहाँ पे, देखिए हरी हरी घास नहीं, फिर भी ये खा पी के भी जिंदा रहती है और रोज़ जो है 2 से 2.5 लीटर तक दूध दे देती है ये, और इसके बच्चे भी काफ़ी तेज़ी से होते हैं, हर गाव जो है हर 1.5 से 2 साल में हो जाता है, 20 साल तक बच्चे देती रहती है ये। तो ये काफ़ी अच्छी यूनिक है, भारत की अपनी स्वदेशी ब्रीड है, तो ये भी एक तरीके का जो है डेयरी वाले अपना जो कल्चर है, डेयरी जो मतलब हम लोग करते हैं काम दूध वूध उत्पादन में, मदद कर सकती है। ठीक, तो इसी साथ में आज का सेशन हम लोग खत्म होता है। अगर आप लोग पसंद आए तो लाइक का बटन तोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए शेयर और सब्सक्राइब कराकर। ठीक, और यूपीएससी का मैंने आप लोग बताया कि कंप्लीट पेड में अब तो यार 1 महीने करीब बचा है, अगर आप लोग चाहो तो कर सकते हो, अभी भी सिलेक्शन कर सुनिश्चित कर सकते हो। आप लोग अपना कॉल कर सकते हैं आप लोग 8564008030 9690668 9 पे। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 10 बजे, तब तक लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए, लगातार जो है मेहनत करते रहिए, अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करिए। ठीक, जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।